लॉकडाउन के चलते जैसे कि प्रवासी हरियाणा से पलायन करते नजर आ रहे थे, तो लॉकडाउन के छठे दिन अब सरकार द्वारा भी अहम कदम उठाए जा रहे हैं। शेल्टर हाउस बनाए गए हैं जिन पर प्रवासियों के खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं अब हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक व धार्मिक संगठन भी सामने आ रहे हैं। उसी कार्यक्रम के तहत राधा स्वामी सत्संग में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लोगों को लंगर में रहने की व्यवस्था दी जा रही है। यह इसलिए कि हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं, जिसको लेकर प्रवासी सड़कों पर ना निकले उसी के चलते अब सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण ना फैले इसलिए संपूर्ण भारत में लॉकडाउन है, और वही किसी को भूखे मरने की स्थिति पैदा ना हो उसको लेकर अब धार्मिक व सामाजिक संगठनों के साथ साथ सरकार भी अस्थायी शेल्टर होम स्थापित कर रही है, जिसमें अप्रवासी लोगों को रहने व खाने की व्यवस्था की जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि सरकार की गाइडलाइंस का ध्यान रखें, ताकि इस वैश्विक महामारी को हम सब जागरूकता से सोशल डिस्टेंस रखकर संक्रमण की चैन को तोड़ पाए और भारत से कोरोना को हराने का प्रयास हमारा सफल रहे।